दशहरे के दिन करेंगे शमी का पूजन तो खुल जाएगी आपकी किस्मत। शमी के पेड़ को सफेद कीकर, खेजड़ी, समड़ी, शाई, बाबली, बली, चैत आदि भी कहा जाता है। हिंदू परंपरा में इस वृक्ष का खास महत्व है। इसे शनि देव का साक्षात रूप माना जाता है और आयुर्वेद के अनुसार यह कृषि विपदा में लाभदायक है। कहते हैं कि लंका से विजय होकर जब राम अयोध्या लौटे थे तो उन्होंने लोगों को स्वर्ण दिया था। इसी के प्रतीक रूप में दशहरे पर खास तौर से सोना चांदी के रूप में शमी की पत्तियां बांटी जाती है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने के पूर्व शमी वृक्ष के सामने शीश नवाकर अपनी विजय हेतु प्रार्थना की थी। बाद में लंका पर विजय पाने के बाद उन्होंने शमी पूजन किया था। महाभारत के अनुसार पांडवों ने देश निकाले के अंतिम वर्ष में अपने हथियार शमी के वृक्ष में ही छिपाए थे। बाद में उन्होंने वहीं से हथियार प्राप्त किए थे, तब उन्होंने शमी की पूजा की थी। दशहरे के दिन आप भी दशहरा मिलन के बाद लोगों को शमी के पत्ते भेंट करें, लेकिन शमी के पत्तों को तोड़ने से पहले पौधों का पूजन अवश्य करें। सायंकाल शमी वृक्ष का पूजन कर उससे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। प्रदोष काल में शमी वृक्ष के समीप जाकर पहले उसे प्रणाम करें, फिर उसकी जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें। उसके बाद वृक्ष के सम्मुख दीपक प्रज्वलित कर उसकी विधिवत रूप से पूजा करें। शमी पूजा के कई महत्वपूर्ण मंत्र का प्रयोग भी किया जाता है। विजयादशमी के दिन शमी वृक्ष पूजा करने से घर में जहां तंत्र मंत्र का असर खत्म हो जाता है, वहीं शनि का प्रकोप भी शांत हो जाता है। जहां भी यह वृक्ष लगा होता है वहां विपदाएं दूर रहती हैं।